मुस्लिम महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली ने बताया कि केंद्र सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 87% कटौती एवं मदरसा शिक्षा के फंड में 93% कटौती की गई। मौलाना आजाद एजुकेशन के बजट को लगभग जीरो करना, यूपीएससी कोचिंग को बंद करना जैसे प्रस्ताव रखे गए। अल्पसंख्यक कार्य के बजट में भारी कटौती की गई, इससे अल्पसंख्यक गरीब बच्चों को मिल रही शिक्षा रुक जाएगी एवं शिक्षा से वंचित होंगे। ये कैसा विकास है? इसको लेकर मुस्लिम महासंघ के पदाधिकारियों ने उदयपुर कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महासंघ निवेदन करता है कि इस विषय पर पूर्ण ध्यान देकर बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं हो बजट का प्रावधान रखा जाए। कमेटी की रिपोर्ट में भी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा बताया गया है। देश का विकास तभी संभव है जब सभी वर्गों में विकास हो। मुस्लिम महासंघ के हम सभी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर उदयपुर में यहाँ पर हम आए हैं। कल जो हमारी वित्त माननीय महोदया निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट से अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उस बजट में जो पिछले बजट में मदरसा बोर्ड का 160 करोड़ रुपया हुआ करता था, वो इस बजट में घटाकर मात्र 10 करोड़ रुपया उसको कर दिया गया। और साथ ही यूपीएससी की तैयारी के लिए चलने वाली जो स्कीम थी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया। और साथ में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन सिर्फ 10 लाख का बजट उसका कर दिया गया है। साथ ही यूपीएससी की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलने वाली सारी स्कीमें सरकार की तरफ से बंद कर दी गई। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर इस तरीके से बजट सारे हटा दिए जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समुदाय किसी तरह से विकास कर पाएगा। हम आज ये गुजारिश करने आए हैं कलेक्टर महोदय से कि हमारी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाए और वित्त मंत्रालय तक पहुंचाए कि जो 160 करोड़ का बजट था उसको या तो यथावत रखा जाए या उसको बढ़ाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। आज हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया।